हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजीजे और मैं आपका दोस्त अमजद ताहिर। दोस्तों, आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण 10 सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों का जवाब देने के लिए आपके पास होंगे 5 सेकंड। दोस्तों, अगर आप इन सवालों का जवाब पहले से जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हमारा पहला सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला पासवर्ड कौन सा है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब 1 2 3 4 5 6 दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला पासवर्ड है। हमारा दूसरा सवाल, मानव द्वारा यानी इंसान द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? अपना आंसर कमेंट कीजिए। मानव द्वारा यानी इंसान द्वारा सबसे पहले तांबा यानी कॉपर धातु का प्रयोग किया गया था। हमारा तीसरा सवाल, चमड़े के सिक्के किस राजा के शासनकाल में चले थे? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, चमड़े के सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चले थे। हमारा चौथा सवाल, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन सा है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश हॉलैंड था। हमारा पांचवा सवाल, मधुमक्खियां फूलों की तलाश में छत्ते से कितने किलोमीटर दूर तक चली जाती है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, मधुमक्खियां फूलों की तलाश में छत्ते से 10 किलोमीटर दूर तक चली जाती है। हमारा छठा सवाल, भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र का होना अनिवार्य है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र का होना अनिवार्य यानी जरूरी है। हमारा सातवां सवाल, भारत में रेलवे स्टेशन की कुल संख्या कितनी है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, भारत में रेलवे स्टेशन की कुल संख्या 8338 है। हमारा आठवां सवाल, नक्शे का आविष्कार करने वाला विश्व का यानी दुनिया का पहला देश कौन सा है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। इराक दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने कैलेंडर और नक्शे का आविष्कार किया था। हमारा नौवां सवाल, फेविक्विक्स हर जगह चिपकता है लेकिन जिस ट्यूब में होता है उसमें क्यों नहीं चिपकता? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, फेविक्विक्स ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन ना होने के कारण ट्यूब के अंदर नहीं चिपकता है। हमारा दसवां और आखिरी सवाल, पृथ्वी से यानी जमीन से मधुमक्खियां समाप्त हो जाने पर मानव जीवन कितने वर्ष का होगा? सही जवाब, पृथ्वी पर मौजूद 90% खाद्य वस्तुओं का उत्पादन करने में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है। ज्यादातर फल और सब्जियों का परागण मधुमक्खी द्वारा होता है। इनके मरने से 100 में से 70 फसल सीधे तौर पर नष्ट हो जाएगी, यहाँ तक कि घास भी नहीं उगेगी और मानव प्रजाति ज्यादा से ज्यादा 4 साल तक ही जीवित रह पाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय, गुड डे।